बसमिलहिमेक डेयर स्टूडेंट्स वेलकम टू द नॉबल ग्रामर ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम इट इज़ आर थर्ड क्लास ऑफ इंग्लिश एंड टूडे वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रजेंट इंड टेंस प्रजेंट इंड की बात करूँ इंडेफीट की बात करूँ तो इंडेफीट अखला महदूद चीज़ को बोलते हैं और ये प्रेजेंट इंड डेफिनेट टेंस हमारी तीन चीज़ों के बारे में बात करता है सबसे पहले रोटीन हैबिट और नेचुरल ला रूटीन सुबह से शाम तक हम हम जो भी काम करते हैं वो हमारी रूटीन में शामिल होता है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग हैबिट एक चीज़ जो हमारी एक आदत जो आदत चेंज नहीं हो सकती मैं हमेशा सच बोलती हूँ स्वीक द ट्रोथ नेचुरल लॉ वो कानून यूनिवर्सल ट्रोथ वो कानून जो पूरी दुनिया में एक जैसा माना जाता है द सन राइज इन द ईस्ट अब सेंटेंसेस की जानब जाते हैं सबसे पहले मेन पॉइंट्स देखते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज इसलिए इसको सबसे सिंपल टेंस कहा जाता है क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ फर्स्ट वर्ब यूज़ की जाती है इफ अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी विल पोट एस और एस एट द एंड ऑफ द वर्ब कहते हैं कि अगर सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन हो ही शी इट में से यूज़ हो तो हम वर्ब के एंड में एस या ई एस का एडिशन करेंगे अब हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हमारा काम करने वाला थर्ड पर्सन में से है सिंगुलर है तो हम किस वर्ब के एंड में एस लगाएंगे या फिर ई एस लगाएंगे इफ़ अ वर्ब एट स्पेशल वर्ड एस एच ए, डबल एस ई एस ओ एस एच सी एच एक्स अगर हमारा वर्ब इन स्पेशल एंड वर्ड्स में से किसी पर एंड हो रहा है तो फिर हम ई एस पुट करेंगे एंड अदरवाइज वी विल पुट ओनली एस अगर नहीं तो फिर हम सिर्फ वर्क कैंड में एस का एडिशन करेंगे इफ आ सब्जेक्ट इज़ प्लूर नो चेंज विल बी अकर्ड ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज अगर हमारा सब्जेक्ट काम करने वाला प्लूर है या फर्स्ट पर्सन है सेकेंड पर्सन है तो हम इसके साथ कोई भी एडिशन वर्ब के साथ नहीं करेंगे स्ट्रक्चर देख लेते हैं सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट एक्सरसाइज देखते हैं अली हमेशा सच बोलता है डियर स्टूडेंट्स कोई भी टेंस जो होता है वो आपको अपने एंडिंग पॉइंट से आपको हिंट दे रहा होता है कि ये कौन सा टेंस है अब प्रेजेंट एंडेफिनेट की पहचान ता है ती है

का एडिशन किया मैं नए कपड़े पहनती हूँ आई वीयर न्यू क्लॉथ्स फर्स्ट पर्सन यूज़ हो गया फर्स्ट और फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के साथ भी हम लोगों ने कोई एडिशन नहीं करना जस्ट वर्क की फर्स्ट फॉर्म ही ऐड करनी है आई वीयर न्यू क्लॉथ्स मैं अपना काम हम अपना काम खुद करते हैं वी डू आर वर्क आर सेल्फ प्लूरल यूज हो गया कोई एडिशन नहीं किया वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने स्ट्रक्चर को फिल करना है सबा कपड़े धोती है सबा वॉश द क्लॉथ अब धोती है थर्ड पर्सन है शी है सबा वाश वर्ब पे फोकस किया फिर हमने इसके वर्ब के एंड में हमें एस एच एक स्पेशल वर्ड मिला तो हमने इसके एंड में क्या लगा दिया ई एस वाशेज द वाश द क्लॉथ वो क्रिकेट खेलते हैं दे प्ले क्रिकेट रूर है नो एडिशन नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं पॉजिटिव में आप लोगों ने देखा कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ हुआ नेगेटिव में एक्सचेंज आ जाता है इसमें हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट यूज़ हो जाते हैं जब डू नॉट और डज नॉट यूज़ हो जाते हैं तो फिर हमें वर्ब के साथ कोई भी एडिशन नहीं करते चाहे वो थर्ड पर्सन हो फर्स्ट पर्सन हो या फिर सेकेंड पर्सन हो हम सिर्फ डज और डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्क डू नॉट डज नॉट हेल्पिंग वर्क यूज़ होंगे इसके साथ वर्क की फर्स्ट फॉम यूज़ होगी और ऑब्जेक्ट यूज़ होगा एक्सरसाइज आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते हैं अब हम लोगों ने वर्क पर फोकस नहीं करना डू और डज हेल्पिंग वर्क पर फोकस करना है डू हमारे पास यूज़ होगा ही आई वी यू दे के साथ डू यूज़ होगा और ही शी इट के साथ डज यूज़ होगा यू डू नॉट एडमिट यूर मिस्टेक वो किसी से नफरत नहीं करता है ही डज नॉट हैट एनी वन मैं उससे मिलने की ख्वाहिश नहीं रखता हूँ आई डू नॉट विश टू मीट थिम असलम ईद पर नए जूते नहीं खरीदता है असलम डज not buy न्यू shoes ऑन ईद सूरज ज़मीन के गिरद नहीं घूमता है द सन डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट डज not यूज होगा और इनके साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन वर्ड हु विच वैन वेयर हाउ इस तरह की वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड हमारे पास क्या कहलाते हैं अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड यूज़ हो तो वो सबसे पहले स्टार्ट स्टार्ट में यूज़ होगा उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब डू और डज यूज़ होंगे उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ फार्म देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क एक्सरसाइज देखते हैं बच्चे कहाँ क्रिकेट खेलते हैं अब हमारे पास कहाँ का वर्ड मौजूद आ गया मौजूद है यूज़ हुआ है मीन्स वेयर क्वेश्चन वर्ड यूज़ होने की वजह से स्टार्ट में हमने क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि क्वेश्चन वर्ड के फ़ौरन बाद सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं तो बच्चे बच्चों आप लोगों ने सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट पुट करेंगे क्या वो अपनी गलती मानता है अब इधर कोई क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं है तो हमने स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है डज ही एडमिट हिज मिस्टेक क्या बादल ज़ोर से गरजता है डज द क्लाउड थंडर लाउडली मुर कब अजान देता है वैन अब फिर हमारे पास क्वेश्चन वर्ड मौजूद है वैन डज द cock क्रो क्या लोग वक्त को अहम समझते हैं डू पीपल कंसिडर द टाइम इम्पोर्टेंट आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन वर्ड यूज़ हुआ उसके बाद हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आने की वजह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है और एंड में क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया जाता है होप्सो so, आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा आप लोगों ने ये वाले सारे सेंटेंसेस और इसके अलावा दस दस सेंटेंसेस तीनों कैटेगरी से अपनी ग्रामर बुक से अपनी नीट नोटबुक में लिखने हैं जो कि छुट्टियों के बाद आप लोगों की नीट नोटबुक चेक की जाएंगी थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़